हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आक्षर अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल जैसा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में इंडो इस्लामिक वास्तुकला देखिए अभी तक हमले हम लोगों ने गुप्त काल के कला में जो जितनी भी चीज़ें हैं वास्तुकला में वो हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली हैं और आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल अजय साहू ऑनलाइन चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक में आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं टेलीग्राम में आप हमें ग्रुप को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा मोजो में भी आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं अब सुनिए भारतीय कला एवं संस्कृति एट द टाइम ऑफ इंडो इस्लामिक ओके okay. तो देखिए इंडो इस्लामिक कल्चर का मतलब होता है जब वेस्ट की तरफ से जब मुस्लिम कल्चर हमारी कंट्री में एंटर किया था तो जो हमारा इंडिया का कल्चर था और उनका जो कल्चर था उन दोनों को मिला जुला के एक तरीके का कल्चर डेवलप हुआ या फिर एक तरीके का जो कला है वास्तुकला का विकास जो हुआ हमारी देश में मतलब इंडिया में उसको हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला बोलते हैं मतलब इंडिया और इस्लाम का मिश्रण इंडो इस्लामिक वास्तुकला ठीक है तो देखिए उससे पहले जो हिंदू वास्तुकला थी जो कि गुप्त काल में थी मौर्य काल में थी मौर्योत्तर काल में थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे जितने भी वास्तुकला होते थे वो बहुत ही संकीर्ण होते थे संकीर्ण का मतलब होता है कि थोड़े वो आ, मिनिमा मिनिमलिस्टिक होते थे मतलब उतने ज़्यादा कोई भव्य मंदिर भव्य भवन ऐसा नहीं होता था मतलब कि एकदम नॉर्मल साइज़ के होते थे उसमें छोटे बारीकियों के काम होते थे ये हम लोगों का हिंदू वास्तुकला का जो था मेन क्रक्स था तो देखिए हिंदू वास्तुकला जहाँ बहुत संकीर्ण हो गई थी वहीं इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने इसमें विशाल व्यापक और बृहदता का समावेश किया मतलब विशाल विशाल का ही उन्होंने आकृति बनाई बड़ी आकृति बनाई बृहद मतलब होता है बड़े बड़े मतलब तो कुल मिला उन लोगों ने बड़े बड़े जो है वास्तुकला का निर्माण किया जहाँ पिछली संरच संग्रह अगर देखिए अब आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला से पहले और हिंदू वास्तुकला में क्या डिफरेंस है तो उसका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पिछली संरचनाओं में अलंकरण के साधन के रूप में मूर्तियों का उपयोग किया जाता था मूर्तियाँ बनाई जाती थी यक्ष यक्षिणी और जो अलग अलग मूर्तियाँ होती थी वो बनाई जाती थी सजाने के लिए वहीं इंडो इस्लामिक वास्तुकला में अलंकरण के साधन के रूप में मतलब डेकोरेशन के लिए सुलेखन का उपयोग किया जाता था सुलेखन को देखिए सुधन लेखन मतलब अच्छी तरीके से मतलब कुछ लिखावट हुई अच्छे अच्छे उसमें ड्राॅइंग्स हुए वैसे बनाए जाते थे अलंकरण के लिए अरबेस्क विधि का उपयोग किया गया अरबेस्क या आरबीक्यू इसको बोला जाता है जिसमें आप कलियाँ बनाते हैं पत्ते बनाते हैं फूल बनाते हैं उसको जेम्स से मतलब पत्थरों से सजाते हैं वो होता है आरबीक्यू। अरबेक से आशय ज्यामितीय वनस्पतिक अलंकरण में वनस्पतिक मतलब क्या होता है फूल पत्ती तो ज्यामितीय वनस्पतिक अलंकरण के उपयोग से है और इसकी विशेषता एक सतत तना होता है मतलब एक ऐसे कली जैसी बनाई होती है तना बनाई जाती है और उसमें पत्ते निकल रहे होते हैं फूल निकल रहे होते हैं वो वो अब आप कहीं भी अगर ताजमहल वगैरह गए होंगे तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा यह पत्तेदार द्वितीयक तने की श्रृंखला का निर्माण करते हुए नियमित अंतराल पर विभाजित होता था मतलब कि पत्तों के आप देख रहे हो आ, ऐसे और एक टहनी निकल रही है उस टाइप का डेकोरेशन ठीक है द्वितीयक तना भी मतलब जो दूसरा तना होता था वो भी पुनः विभाजित होता था और इसे मुख्य तने से मिलाने के लिए वापस मोड़ा जाता था जिसे सजावटी पैटर्न का निर्माण होता था ठीक है इसमें बस एक्सप्लेन किया गया कि आरबीक्यू पैटर्न होता क्या है अब सजावटी पैटर्न से लेकर समरूपता की भावना आत्मसात करने तक इस अवधि की वास्तुकला में भारी पैमाने पर ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग किया गया ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री उस टाइम तक ज्योमेट्री का इन्वेंशन हो गया था मतलब कि आप लोगों ने एंगल्स को उन लोगों ने एंगल्स का डिस्टेंस का पैटर्नस का ध्यान दिया तो इसमें ज्योमेट्री के बहुत सारे सिद्धांतों का उपयोग किया गया था भवनों में जाली का जटिल काम किया गया था जाली का जटिल काम जाली ऐसे जाली वाली बनाई जाती थी तो उसका जटिल काम किया गया था ये जाली पैटर्न आप लोगों को बहुत सारे टॉम्स में मिलेगा बहुत सारे किलाओं में मिलेगा तो वो चीज होती थी यह इस्लाम धर्म में प्रकाश का महत्व का प्रतीक है जालियों के थ्रू जो है ना प्रकाश अंदर जाता था तो इससे पता चलता है कि हाँ इस्लामिक धर्म में प्रकाश को बहुत महत्व दिया जाता है इस अवधि की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता आंगन में पुलों फव्वारों और छोटी नालियों के रूप में निर्माण कार्यों के परिसर में पानी का उपयोग था अभी आप लोग अगर मैं हर बार आप लोगों को ताजमहल का एग्जाम्पल दूँगी क्योंकि हम लोगों से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं तो हमको वो चीज़ें समझ में आती हैं आप ताजमहल में भी अगर जाएंगे तो आप लोगों को पानी की एक लंबी सी नाली टाइप का दिखेगा स्ट्रीम टाइप का दिखेगा फववारे दिखेंगे तो ये उनका डेकोरेशन का या अलंकरण करने का एक बहुत अच्छा तरीका था वो लोग ये चीज बहुत ज्यादा करते थे पानी कर मुख्य रूप से तीन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था धार्मिक प्रयोजनों के लिए परिसर का शीतलन करने के लिए मतलब आसपास पूरा ठंडा रखने के लिए और सजावटी उद्देश्य के लिए ठीक है अब इस्लामिक शासकों ने बागों की चार बाग शैली का प्रचलन किया इसको चार पैटर्न बोलते हैं इसमें क्या होता है ये नदी ये स्ट्रीम नदी बह रही है या पानी का नाला बह रहा है ये पानी का नाला बह रहा है और इसके चारों तरफ होते थे चार ठो बगीचे इसको चार बाग पैटर्न बोला जाता है और इंडो इस्लामिक कल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था ठीक है इसमें क्या होता था देखिए अब हिंदी में इसमें एक वर्गाकार खंड मतलब स्क्वायर शेप खंड चार आसन एक समान बागों में विभाजित किया जाता था ठीक है जाली का काम जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे 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 जाली बनाई जाती थी और इससे बीच से प्रकाश आता था ठीक है देखिए इस अवधि की वास्तुकला में प्रस्तर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने के लिए पीटा डूरा तकनीक का भी उपयोग किया जाता था जैसे एक आप लोगों ने आरबी तकनीक देखा एक होता है पीटा डूरा तकनीक जिसमें क्या होता है कीमती पत्थरों और रत्नों का प्रयोग होता है डिजाइन्स में जड़ने के लिए ये सब में ऐसे कीमती पत्थर जड़े होते थे कहा जाता है कि ताजमहल में भी बहुत सारे कीमती और रत्न और पत्थर जड़े हुए थे बट वो सारे निकाल लिए गए ठीक है एक और अनूठी भवनों में अग्र दृश्य तकनीक का प्रयोग था इस तकनीक का प्रयोग इस प्रकार किया जाता था कि शिलालेख किसी भी स्थान से एक ही आकार के दिखाई देते हैं मतलब ऐसा था कि कोई शिला लेख है तो आपको आप, आप चाहे उसको किसी भी डायरेक्शन से देखो वो हर तरफ से एक समान दिखाई देते थे ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आता है इंडो इस्लामिक कल्चर में अकॉर्डिंग टू द रीजन मतलब अलग अलग इकाल, इलाकों के हिसाब से जो आपको अंतर देखने को मिलेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ मेहराबदार शैली और लिंटल शैली 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 के बीच अंतर घे प्रवेश इसकी विशेषता लिंडल का लिंटल का उपयोग थी और इसकी विशेषता मेहराब और गुंबद का उपयोग था मतलब मेहराबदार स्टाइल में गुंबद बनाए जाते थे और ये जो आपका लिंटल मतलब ऐसा जो डबल डबल ऐसे लाइनिंग में आपकी आप सीमेंट से ही या प्रेस्टर से ही डिजाइन देते हो ऐसा चौखट जैसा तो उसको बोलते हैं लिंटल शहतीर अब शीर्ष मंदिरों के शीर्ष पर शिखर का उपयोग होता था लिंटल शहतीर शैली में शिखर सामान्यतः शंकाकार या वक्राकार होते थे मतलब कि या तो वक्र शेप के होते थे या शंकवाकार होते थे मस्जिदों के शीर्ष पर गुबंद का गुंबद का, का उपयोग होता था और गुंबद जो है अर्ध गोलाकार होते हैं जो ऐसे डोम शेप होते थे वो होते हैं मीनार मीनारे नहीं होती थी लिंटल शहतीर स्टाइल में और मस्जिदों में चारों ओर जो होती है मीनारे होती हैं अब निर्माण सामग्री सभी निर्माणों का प्राथमिक घटक प्रस्तर था निरम इस और इसमें निर्माण हेतु ईट चूना प्लास्टर गारे आदि का आरंभ यूज चालू हो गया था मेहराबदार में ये देखिए कुल मिला के अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो ये एक तरीके से इंडो इस्लामिक के टाइम पे ही पे ये मंदिर का जो पैटर्न था मंदिर जिस तरीके से बनते थे उसको बता रहा है और मस्जिद किस तरीके से बनते थे उसको बता रहा है ठीक है अब दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला इंडो इस्लामिक कल्चर में दिल्ली सल्तनत आया था तुगलक सल्तनत आया था लोधी सल्तनत आया था तो इन सब में भी अब किस किस टाइप का वास्तुकला था वो हम वो देखेंगे दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 सौ ईस्वी के दौरान आया था तो इस दौरान वास्तुकला के दो व्यापक श्रेणियों में में वर्गित किया गया है मतलब कि वास्तुकला दिल्ली सल्तनत का जो वास्तुकला है उसको टोटल दो श्रेणियों में बांटा गया एक होती है साम्राज्यिक शैली एक होती है प्रांतीय शैली जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था जब हम लोग मौर्य काल वगैरह पढ़ रहे थे एक दरबारी कला होती है और एक लोक प्रशंसिक कला होती है सेम वैसा ही है तो साम्राज्यिक कला दिल्ली के शासकों साशिक, द्वारा संरक्षित और प्रांतीय शैली स्थानीय शासकों और सरदारों द्वारा संरक्षित ठीक है जो आपके लोकल हेड होते हैं उनके द्वारा ये कंजर्व होती थी तो अब हम पहले देखेंगे साम्राज्यिक शैली ग्यारह से लेकर पंद्रह सौ ईस्वी तक इस अवधि के दौरान शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के अधीन वास्तुकला की साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ प्रत्येक शासक ने अपनी स्वयं की कुछ रुचियां आरोपित की लेकिन बनावट या शैली मोटे दौर पर एक जैसी थी मतलब देखो वही सबके अपने कुछ जो स्पेसिफिक uh, इंटरेस्ट होते हैं उसका हमको कुछ झलक देखने को मिला लेकिन ओवरऑल जो बेसिक डिजाइन होता है वो सेम होता था ठीक है अब आया गुलाम वंश गुलाम वंश में गुलाम वंश या इलबरी राजवंश 1206 से लेके 1290 सौ ईस्वी तक सत्ता में बना था उनके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की शैली को वास्तुकला की मामलुक शैली के रूप में जाना गया इस अवधि के दौरान अधिकांश निर्माण तत्कालीन हिंदू संग्रा संरचनाओं में पूर्ण प्रतिरूपण थे उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण भी कराया था कुतुब मीनार इसका एक एग्जाम्पल है तो देखो गुलाम वंश के टाइम ही कुतुब मीनार बना था इसके पांच मंजिली संरचना का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था और वह केवल इसका भूतल बनवा पाए थे अगली तीन मंजिलें इतुतमिश द्वारा बनाई गई थी और छठवीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी तो ये क्वेश्चन कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ भी जाता है कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने काम कराया बीच का काम किसने कराया तो ये वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है उदाहरण है अढ़ाई दिन का झोपड़ा और जैन मंदिर से परिवर्तित कुवत उल इस्लाम मंदिर आदि देखो क्या हुआ था गुलाम वंश के टाइम बहुत सारे जो हिंदी हिंदू वास्तुकला थे उन्हीं को तोड़कर या बदलकर जो है वहाँ पे मुस्लिम वास्तुकला बनाया गया तो उसका एक एग्जाम्पल है अढ़ाई दिन का झोपड़ा और जैन मंदिर से परिवर्तित कुवतुल इस्लाम मस्जिद वैसे ठीक है अब खिलजी वंश खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 सौ ईस्वी तक शासन किया और वास्तुकला की लागी शैली की स्थापना की सालयुग शैली आप लोगों को ये जो स्पेसिफिक नाम है जैसे पहले वाले का था मामलुक इसका है शाजलुक तो उसकी स्थापना की इस अवधि के निर्माण की विशेषता लाल बलुआ प्रस्तर का प्रयोग है इसके साथ ही मेहराबदार शैली ने इसी अवधि में प्रमुखता पाई सभी निर्माण कार्यों में जोड़ने वाली सामग्री के रूप में गारे का प्रमुखता से उपयोग किया जाने लगा था इसका उदाहरण है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा और सिरी का किला तो यहां से आप लोगों को यह भी पता चलता है कि कौन से स्ट्रक्चर के निर्माणकर्ता कौन है ठीक है अब आएगा तुगलक वंश यह दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के लिए संकट काल था तुगलक वंश हालांकि फिर भी कुछ निर्माण कार्य किए गए थे जिसमें दूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था दूसर बलुआ प्रस्तर इस अवधि के दौरान भवन की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया तथा अलंकरण पर कम बल दिया गया यह चीज इंपॉर्टेंट है प्रवेश द्वार के डिजाइन में मेहराब और सरदल दोनों विधियों का संयोजन किया गया था तुगलकों ने बट्टार के रूप में ज्ञान निर्माण की शैली का प्रचलन किया था जिसकी विशेषता भवनों को अधिक मजबूत दिखाने के लिए ढलवा दीवारें थी ठीक है उदाहरण है तुगलगाबाद जहाँ और फिरोजाबाद के नगर अब आते हैं हम लोधी वंश में लोधी वंश के अंतर्गत वास्तुकला में पश्चगामी प्रवृत्ति जारी रही इस अवधि के दौरान केवल मकबरों का निर्माण आरंभ किया गया लोधी वंश में हालांकि इस अवधि की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोहरे गुंबद का प्रचलन थी मतलब डबल गुंबद यह शीर्ष गुंबद के अंदर एक खोखले गुंबद से मिलकर बना होता था मतलब गुम्बद के अंदर गुंबद अब आता है दोहरे गुंबद उपयोग करने के कारण थे संरचना को और मजबूती देना और गुंबद की भीतरी ऊंचाई कम करना इस चरण के दौरान बनाए गए मकबरे किसी भी भव्य अलंकरण के बिना कठोर और सादे होते थे तुगलक वंश के जैसे ही इन्हें लगभग 15 मीटर के व्यास के साथ अष्टकोणीय आकार से बनाया गया था और ढलवा बरामदे से सिरा गया था मतलब ऐसे होते थे ढलान वाले जो है आपके जो आपके वॉल्स होते थे वो ढलान वाले होते थे अब इसका एग्जाम्पल है लोधी गार्डन सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित आगरा नगर आदि अब वास्तुकला की प्रांतीय शैली इस अवधि के दौरान इंडो इस्लामी शैली ने स्थानीय स्थापत्य शैलियों को भी प्रारंभ प्रभावित करना आरंभ कर दिया था बंगाल बीजापुर जौनपुर और मांडू वास्तुकला कला के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे मतलब इस टाइम क्या हुआ था कि जो है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर है वो जो रीजनल जितने भी वास्तुकला है उसको भी इफेक्ट करने लगी थी और इसमें से इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे बंगाल बीजापुर जौनपुर मांडू आदि अब बंगाल शैली में आते हैं वास्तुकला की बंगाल शैली की विशेषता ईटों और काले संगमरमर का प्रयोग थी इस अवधि के दौरान बने मस्जिदों में ढलवा बंगला छत्ता की का उपयोग जारी रहा पहले इसका मंदिर के लिए उपयोग किया जाता था उदाहरण गौड़ की कदम रसूल मस्जिद पांडुआ की अदीना मस्जिद आदि मालवा शैली में आता है मालवा के पठार में स्थित धार और मांडू के नगरीय जगह हैं वहाँ वास्तुकला के प्रमुख स्थल बन गए थे यहाँ के भवनों की सबसे प्रमुख विशेषता विभिन्न रंगों के प्रस्तरों और संगमरमरों का प्रयोग था भवनों में विशाल का एक खिड़कियाँ लगी थी जो शायद यूरोपीय प्रभाव का परिणाम थी और ये मेहराब और स्तंभों के शैलीकृत प्रयोग से अलंकृत थी यहाँ तक कि सीढ़ियों का उपयोग भी निर्माण का सौंदर्य बोध बढ़ाने के लिए किया गया था ठीक है और इसमें मीनार विनार नहीं बनाए जाते थे अब वास्तुकला की पठान शैली के रूप में भी ज्ञात मलवा शैली निम्नलिखित विशेषताओं के चलते इस अवधि की पर्यावरण अनुकूलन के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है मतलब तो ये इम्पोर्टेंट है तो किन कारणों से इसको पर्यावरण अनुकूलित बोला जाता था विशाल काय खिड़कियों का, का उपयोग तो इससे क्या होता था कि जो भवन होते थे वो हवादार होते थे मंडप थोड़े धनुषाकार होते थे यह विशेषता उन्हें हवादार बनाती थी और गर्मियों में भी भवन ठंडे रहते थे परिसर में जल भंडारण हेतु बावली के रूप में ज्ञात कृत्रिम जलाशयों का निर्माण जो बावड़ी होती है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता था तुगलकों द्वारा प्रचलित बट्टार प्रणाली का उपयोग करके भवनों को मजबूत बनाया गया था एग्जाम्पल है रानी रूपमती का मंडप जहाज महल अशरफी महल आदि यहाँ से आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो रेडी हो रहे हैं अब हम आते हैं जौनपुर शैली में शर्की शासकों ने संरक्षण में जौनपुर कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का महान केंद्र बन गया था वास्तुकला की इस शैली को शर्की शैली के रूप में जाना जाने लगा और पठान शैली की भांति इसमें भी मीनारों के उपयोग से बचा गया था मतलब इसमें भी देखो अगर कोई आप लोग से डायरेक्ट पठान शैली बोलता है तो आप लोग के दिमाग में आएगा पठान है तो मीनार बनते होंगे बट नहीं वहाँ पे मीनार नहीं बनते थे और सेम यहाँ पे भी मीनारे नहीं बनाई जाती थी यहाँ भवनों की एक अनूठी विशेषता प्रार्थना हॉल के केंद्र और बगल के खंडों में विशाल स्क्रीनों पर चित्रित मोटे और सशक्त अक्षरों का उपयोग है एग्जाम्पल है अटाला मस्जिद ठीक है अटाला मस्जिद है ये जौनपुर का अब आगे बढ़ते हैं बीजापुर शैली बीजापुर शैली आदिल शाह के संरक्षण के अंतर्गत बीजापुर शैली या वास्तुकला की दक्कन शैली का विकास हुआ उसने अनेक मस्जिदों मकबरों और महलों का निर्माण किया और उनका अनूठापन तीन महराबों वाले अग्रभाग और बल्बनुमा गुंद गुबंदरों का उपयोग था ये सभी लगभग गोलाकार और संकरी गर्दन वाले थे उनसे कार्निश का उपयोग भी प्रचलित किया एग्जाम्पल गोलगुम्बज बीजापुर ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये जो इंडो इस्लामिक कला है कंप्लीट होता है इसके आगे हम मुग़ल सल्तनत का पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से आगे के लेसन में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे रिवाइजिंग एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू